नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गर्देजी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसी वाली पिकअप का फुल रिव्यू, क्योंकि अगर ड्राइवर आराम से रहेगा, हेल्दी रहेगा तो गेड़े ज्यादा मारेगा, यानी ट्रिप ज्यादा करेगा, और ट्रिप ज्यादा करेगा मतलब कमाई भी ज्यादा करेगा। तो ये जो है एसी वाली पिकअप है और पावर स्टीयरिंग वाली पिकअप है, जिससे ड्राइवर को जो है काफी आराम मिलने वाला है, तो वो जो है लंबी दूरी की यात्रा बड़े ही आराम से करेगा। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, जिसमें इसके फीचर से लेकर इसकी कीमत, ऑन रोड कीमत, और इसको खरीदने के लिए कम से कम कितना डाउन पेमेंट देना होगा, कितनी ईएमआई आएगी, पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसके फ्रंट लुक से देखें तो जो है पुरानी जो पिकअप में आपको जो मॉडल मिलता था लगभग वो सेम ही दिया गया है। यहाँ पे बीच में महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि पुराना वाला ही है, अभी फिलहाल नया नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जो है व्हाइट कलर की ग्रिल मिल जाती है, इसमें जो है आपको अच्छा खासा गैप मिल जाता है, जिससे रेडिएटर को हवा आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे मेटल में मजबूत बम्पर मिल जाता है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगवा सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप गाड़ी को कई बार टो करना चाहें तो यहाँ से आप इजीली गाड़ी को टो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की रिफ्लेक्टर पट्टी और रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे फॉग लैंप लगाने के लिए भी आपको जो है जगह मिल जाती है, और आगे जो है आपको रिजिड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं, और आगे का जो सस्पेंशन पत्ते हैं वो लंबा दिया गया है, जिससे गाड़ी का अच्छा कंट्रोल बना रहता है। और इसमें आगे आपको 5 पत्ते और पीछे आपको 7 कबानी पत्ते मिल जाते हैं, यानी कबानी पत्ते वाला इसमें सस्पेंशन दिया गया है, जिसे आप उबड़ खाबड़ रास्तों में जाते हैं, रोड अगर सही नहीं रहती है तो काफी अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्म देखने को मिल जाती है, और अच्छा इसमें आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है क्लियर हेडलैम्प मिल जाते हैं, जिससे आपको जो है पूरी रोड आसानी से दिख जाती है। यहाँ पे आपको जो है टर्न इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। अब अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है व्हाइट कलर में फेंडर मिल जाता है, और टायर साइज की अगर हम बात करें तो 7R15 इंच के टायर साइज मिल जाते हैं, जो कि काफी चौड़े टायर दिए गए हैं, जिससे आप जो है रेत वगैरह में ले जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बड़ी साइज में आपको टायर मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है आपको मड फ्लेप मिल जाते हैं कीचड़ वगैरह से सेफ्टी के लिए, और यहाँ पे जो है टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बोलेरो पिकअप FB की बेजिंग मिल जाती है, यानी कि ये फ्लैट बेड वाला मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कार्गो बॉडी की जो बिल्कुल फ्लैट है, इसमें आपको जो है पेटी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। और ये पावर स्टीयरिंग वाला मॉडल है, और यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग का बेजिंग मिल जाती है 1.3, और एसी वाला मॉडल, और इसमें आपको जो है एक शानदार सा ग्राफिक देखने को मिल जाता है कूल ड्राइव वाला। और ये जो इसकी कार्गो बॉडी है 8.5 फीट लंबी और 5.5 फीट चौड़ी दी गई है, जिसमें आप अच्छा खासा माल लोड कर सकते हैं। 1.3 टन इसमें RTO पासिंग है, बाकी अगर आप इसमें थोड़ा ज्यादा भी डालना चाहें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप आराम से इसमें डालकर कैरी कर सकते हैं। और ये जो बॉडी है फ्लैट बेड बॉडी है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ टायर के ऊपर आपको जो कोई पेटी वगैरह देखने को नहीं मिलती, जिससे आप जो है दूध के कैन या फिर पानी के कैन वगैरह इसमें रखते हैं तो वो पूरे आप आराम से इसमें जचा सकते हैं। तो ये फ्लैट बेड वाला मॉडल है, और ये साइड कबानी पिकअप दी गई है, जिसमें अगर आप इसमें झाल वगैरह भी भरते हैं तो गाड़ी जो है ज्यादा झोले नहीं खाएगी और गाड़ी का कंट्रोल अच्छा बना रहेगा। किसी भी कॉमर्शियल वाहन में उसकी कार्गो बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो कार्गो बॉडी की अगर हम बात करें तो हाइट आप देख सकते हैं काफी अच्छी हाइट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मजबूत इसमें आपको जो है चेसिस फ्रेम मिल जाता है, और पीछे भी आपको जो है पत्ते कबाने वाला सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ से आप फ्यूल भरवा सकते हैं, 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, यानी एक बार अगर आप डीजल भरवा लेते हैं तो काफी लंबी दूरी आप आराम से तय कर सकते हैं। यहाँ पे तो हुक्स मिल जाते हैं, जब इसमें माल वगैरह लोड करते हैं तो रस्सी द्वारा यहाँ से बांध सकते हैं। ये आप इसके पीछे का लुक देख सकते हैं, काफी ऊंची जो है डाले की हाइट दी गई है। यहाँ पे जो है महिंद्रा की बेजिंग मिल जाती है, रेड कलर की रिफ्लेक्टर पट्टी मिल जाती है, जो कि आजकल नाइट वगैरह में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करती है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर और टेल लैंप वगैरह जो कि काफी अच्छे दिए गए हैं। यहाँ पे जो है आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, यानी कि अगर आप जब भी गाड़ी ड्राइवर ब्रेक लेता है तो आपको पता चल जाता है कि पीछे कोई खड़ा है या कुछ भी है, तो ये जो है आपकी गाड़ी को पार्क करने में काफी मदद करते हैं। पीछे यहाँ पे आपको जो है स्टेपनी मिल जाती है, और काफी अच्छी यहाँ पे हाइट दी गई है, आप देख सकते हैं जो ग्राउंड क्लीयरेंस है काफी अच्छा इसमें आपको जो है देखने को मिल जाता है, जिससे आप अगर कच्चे में जाते हैं, थोड़ी रोड उबड़ खाबड़ है, फूटी हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसके केबिन में और आपको केबिन दिखाते हैं कि किस प्रकार का आपको केबिन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको फुट स्टे मिल जाता है, तो इसमें चढ़ने के लिए आप आराम से पैर रखकर चढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, और सीटिंग की बात करें तो ड्राइवर के अलावा आपको जो है को ड्राइवर वाली जो सीट है बड़ी सीट मिल जाती है, यानी दो पैसेंजर भी अगर आप बिठाना चाहें तो आराम से बिठा सकते हैं। तो ये आप इसका केबिन देख सकते हैं, जो पुराना वाला मॉडल आता है वो लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको इसमें एसी मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसमें अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना चाहें, RC वगैरह, तो आराम से रख सकते हैं।
यहाँ अगर हम देखें तो एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और एसी का जो है आप इधर उधर रुक अगर बदलना चाहें, कम या ज्यादा बेसिक करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है। तो महिंद्रा की मेरे को थोड़ी सा लगा माइनस पॉइंट कि यहाँ पे अब यूएसबी चार्जर दे देते तो काफी अच्छा हो जाता। बाकी यहाँ पे अगर आप लेगरूम की बात देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे लेगरूम वगैरह मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। जेक वगैरह यहाँ आपको इस प्रकार का कुछ मिलता है, और को ड्राइवर वाली जो सीट है काफी बड़ी सीट मिल जाती है। हेडरेस्ट वगैरह मिल जाता है ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में। यहाँ से पीछे आप देख सकते हैं कार्गो बॉडी वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है केबिन लैंप मिल जाता है जिसकी अच्छी रोशनी आपको देखने को मिलेगी। एयर कर्टन मिल जाते हैं जब भी गाड़ी का कांच वगैरह बंद होते हैं, बारिश वगैरह हो रही होती है तो यहाँ से आप जो है हवा आराम से ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में आपको सनवाइजर मिल जाते हैं। रियर व्यू मिरर यहाँ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है हजार्ड बटन मिल जाता है। अब ये आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा स्टीयरिंग है, और इसमें आपको जो है पावर स्टीयरिंग दिया गया है। गाड़ी जब ड्राइवर लंबी दूरी पे जाता है तो यार वास्तव में उसको कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि इसमें पावर स्टीयरिंग दिया गया है, एसी दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ड्राइवर की सुविधा के लिए एसी दिया गया है, तो ड्राइवर जो है लंबी दूरी की यात्रा आराम से पूरी कर सकता है। और ये आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है 5 स्पीड मैनुअल गियर मिल जाते हैं, एक रियर मिल जाता है, और गियर भी आप देख सकते हैं काफी जो है इजी से यहाँ पे लग रहे हैं, काफी ज्यादा जो है पहले की बजाय सॉफ्ट इसमें बना दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा इसमें आपको लेगरूम मिल जाता है, हालांकि वॉक थ्रू केबिन नहीं है क्योंकि बीच में जो है आपको गियर लीवर देखने को मिल जाता है। ड्राइवर सीट को आप आगे पीछे करके आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट को यहाँ से लेवल कर सकते हैं, यहाँ पे रीजनरेशन बटन मिल जाता है। अब आपको दिखाते हैं इसका डिजिटल स्पीडोमीटर, और ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा इसमें आप डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पीड बताया गया गाड़ी कितने की स्पीड में जोड़ रही है, और यहाँ पे आरपीएम वगैरह शो करेगा कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, यहाँ पे फ्यूल कितना है यानी कि फ्यूल लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर बताएगा हॉट एंड कूलेंट, बाकी जो है जितने भी इसमें सिंगल्स वगैरह होते हैं वो ये यहाँ पे सब आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे ड्राइवर आराम से पढ़ सकता है। अब आपको इंजन का साउंड सुनाते हैं। तो चलिए, गाड़ी एसी है तो फिर एसी चलाकर देखते हैं, और ये आप देख सकते हैं कैसी हवा इसमें आती है। या आप इसका जो है लेवल जो है चेंज कर सकते हैं कि एक नंबर पे रखना है या फिर दो नंबर पे रखना है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और काफी अच्छी जो है इसमें हवा देखने को मिल जाती है। तीन नंबर पर करेंगे तो ये फुल जो है फास्ट हो जाती है, और यहाँ से आप इजीली एसी को बंद भी कर सकते हैं। तो ड्राइवर की सुविधा के लिए जिसमें आपको जो है एसी वगैरह मिल जाती है। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें M2DI 4 सिलेंडर 2523 सीसी का इंजन आता है, जो महिंद्रा की लगभग पिकअप में आपको देखने को मिलता है। 80 HP पावर के साथ 3200 RPM पे 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है, यानी अच्छा जो है माल खींच सकता है। माइलेज की बात करें तो 14 से 15 का इसमें आपको माइलेज देखने को मिलेगा। बाकी ड्राइवर के चलाने पर निर्भर करता है, कैसा आप लोड करते हैं, कैसे रास्तों में चलाते हैं वो देखना पड़ता है। गाड़ी की GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो 1950 kg का आता है। व्हील बेस है इसका 3264 mm का अगले टायर से पिछले टायर की दूरी, और गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई है वो है 5219 mm यानी कि लगभग 17 फीट से भी थोड़ी ज्यादा। अब बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो पिकअप AC 1.3 की प्राइस की, तो एक्सोरूम प्राइस है 9,99,999। यहाँ पर ₹1 कम करके आपका 1% TCS बचा दिया गया है। ये जो कीमत है पूरे भारत में सेम है एक्सोरूम कीमत। इंश्योरेंस 34,000 रुपए, यहाँ पे थोड़े बहुत 1,000-1,500 ज्यादा भी हो सकते हैं और 2,500 रुपए कम भी हो सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से जितने का प्रीमियम आए आप उतना दे सकते हैं। RTO 1,15,000 रुपए, ये राजस्थान का है, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 2,000-4,000 रुपए का ही डिफरेंट आएगा। अभी इस पे 16,001 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, तो आफ्टर डिस्काउंट इसकी ऑन रोड कीमत हो जाती है 11,33,000 रुपए, यानी 11,33,000 में ये गाड़ी केस में ऑन रोड हो जाती है। 16,000 के ऑफर में अगर आप चाहते हैं एक्सेसरीज लेना तो आप एक्सेसरीज भी ले सकते हैं, या फिर आप कैश डिस्काउंट ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अब हर कोई कैश में तो गाड़ी ले नहीं सकता, तो अगर हम कम से कम डाउन पेमेंट की बात करें तो इसकी ऑन रोड कीमत है डिस्काउंट करने के बाद 11,33,000 रुपए, इसका 90% तक लोन हो जाता है, यानी एक शोरूम कीमत का 100% से भी ज्यादा का लोन हो जाता है। 90% अगर हम निकालते हैं तो 10,19,700 रुपए का फाइनेंस होता है, तो डाउन पेमेंट देना होगा आपको मात्र 1,13,300 रुपए, यानी 1,13,000 में आप गाड़ी को घर ले जा सकते हैं, अपना काम धंधा चालू कर सकते हैं, और बाकी का पैसा आप EMI में भर सकते हैं। अगर आप 10,19,700 रुपए का फाइनेंस करवाते हैं और 1,13,000 रुपए का ही डाउन पेमेंट करते हैं, तो EMI की बात करें तो आप जो है 4 साल 5 साल 6 साल तक के लिए आप फाइनेंस करवा सकते हैं। जो अभी स्कीम है 6 साल के लिए और 7 साल के लिए भी कई जो है NBFC कंपनी और बैंक जो फाइनेंस कर रही है,
लेकिन मैंने अधिकतर जो है अभी एयू बैंक में या फिर महिंद्रा फाइनेंस की खुद की बात करें या फिर सुंदरम की बात करें तो 6 साल तक के लिए लोन आराम से हो जाता है। तो ईएमआई की बात करें तो 19,409 रुपए की बेहतर ईएमआई बनेगी यानी 6 साल के लिए, और 3,77,751 रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा यानी ब्याज देना होगा, और टोटल अगर हम पेमेंट की बात करें तो 13,97,451 रुपए ब्याज समेत आपको वापस भरना पड़ेगा। अगर आप 5 साल के लिए फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो 22,170 रुपए की 60 किस्तें बनेंगी और 3,10,544 रुपए का ब्याज देना होगा। इसमें आपको 11,64,543 रुपए का वापस पेमेंट करना है यानी कि ब्याज और मूल रकम का पूरा। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो ज्यादा डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, मेरे को ईएमआई भी छोटी आए, ब्याज भी कम लगे और मैं लोन भी कम करवाऊंगा, तो फिर आप अगर आप 8 लाख रुपए का ही लोन करवाते हैं और 3,33,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो फिर 17,393 रुपए की 60 किस्तें बनेंगी यानी 5 साल के लिए, और 2,43,636 रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इसमें आपको जो है ब्याज समेत ही 10,43,636 रुपए भरने होंगे। अगर आप इतने अमाउंट यानी कि 8 लाख रुपए का लोन 6 साल के लिए करवाते हैं तो फिर 15,227 रुपए की 72 किस्तें बनेंगी और 2,96,362 रुपए का ब्याज देना होगा। इसमें आपको 10,96,362 रुपए का टोटल अमाउंट भरना है यानी कि मूल प्लस ब्याज। तो मैंने कम से कम डाउन पेमेंट भी बता दिया, और ज्यादा तो आप जितना ज्यादा देना चाहें उतना भी आप दे सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि फाइनेंस करवाने के लिए भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से की जरूरत होगी, तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए क्योंकि ये कॉमर्शियल वन है, तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 4 चेक, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी यानी कि आपको 6 या 12 महीने का बैंक का स्टेटमेंट देना है कि आपका लेन देन कैसा है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी जरूरत होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक इनकम प्रूफ है, अगर आपके पास खेत की जमाबंदी है तो वो दे सकते हैं, जीएसटी है, रजिस्ट्रेशन वो दे सकते हैं, आईटीआर फाइल है तो वो दे सकते हैं, कोई भी आप एक इनकम प्रूफ दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दुकान है, शॉप है, गोडाउन है, कुछ भी आप एक इनकम प्रूफ देंगे तो आपके जो है लोन काफी ज्यादा इजी हो जाएगा और इंटरेस्ट में भी आपको थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है। इसके अलावा कोई गारंटर की जरूरत नहीं होती। अगर आपका सिविल खराब है, ट्रैक खराब है, तो फिर आपको गारंटर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो फाइनेंस पे हमारा फुल डिटेल वीडियो आएगा, तो कमर्शियल गाड़ियों से रिलेटेड फाइनेंस और रिव्यू की अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी का नाम लिखकर हमें जरूर भेजें।